हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षत अरोरा और टॉपिक है टी टेस्ट। टी टेस्ट में टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू स्मॉल सैंपल्स है। दो स्मॉल सैंपल्स हैं, उनके मीन में टेस्टिंग करनी है। डिफरेंस टेस्टिंग डिफरेंस डिफरेंस देखना है और उसको टी टेस्ट के द्वारा एग्जामिन क्या करना है। द सिग्निफिकेंस बिटवीन महत्व को देखना है। बिटवीन मीन्स मीन्स को दो स्मॉल सैंपल्स के मीन में जो मार्क्स सिक्योर्ड बाय द अबव टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, उनके मीन्स में देखना है सिग्निफिकेंस मीन्स का। तो उसकी डेटा इस प्रकार है। मार्क्स एक ग्रुप ने 2, 4, 6, 8, 9 स्टूडेंट का एक ग्रुप है और 2, 6, 8, 7 का सेकंड ग्रुप है। इसके मींस में हमको टी टेस्ट करना है और महत्व देखना है उसको। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हाइपोथेसिस कि कोई अंतर नहीं है, कि इनमें आपस में कोई अंतर नहीं है। अब हमने इसमें सबसे पहले इनके सम लगाया। सम के बाद इनका मीन लिया। मीन क्या कहते हैं? इनका सम बाई एन, जितनी ऑब्जर्व यूनिट हैं जिनको ऑब्जर्व की जा रही है यहाँ पर, उनको बाई एन वन हो गई है। तो पहले ग्रुप का जो मीन निकला वो 37 निकला। तो सबसे पहला कॉलम एक्स वन वाला, जो जो सैंपल वन का ग्रुप है। सेकंड स्टेप में इसी में कॉलम है हमारा डिफरेंसेस के लिए, हमने डेविएशन लिए। तो इसको हमने D1 से डिनोट कर दिया। X1 मतलब वैल्यू से मीन को घटाया गया और हमने डिफरेंसेस प्लस या माइनस को लेते हुए ले लिया। थर्ड कॉलम में हमने D1 का स्क्वायर कर दिया है, D1 का स्क्वायर कर दिया, जो ये -90 का स्क्वायर कर दिया। तो इसी तरीके से सब के कर दिया और इसका सब हमारा ये आया। यहाँ पर डेविएशन चूँकि एक्चुअल मीन से लिए गए हैं, ये ज़ीरो आएगा। और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअल मीन से हम डेविएशन लिया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले हमको टी निकालना है तो एस निकालना है, और एस एस के लिए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि एक्चुअल मीन से होगा, और एक्चुअल मीन से होगा, राइट। तो अब सेकंड ग्रुप में आते हैं। सेकंड ग्रुप में मार्क्स दिए हुए, मार्क्स जिसको कि मैंने X2 से डिनोट कर दिया, और उसी तरीके से जैसा पहले में निकाला है डिफरेंसेस निकाले गए प्लस माइनस के साइन लेते हुए। और सबसे पहले इस ग्रुप का मीन निकाला, मीन से हमने डेविएशन निकाले जिसको कि D2 से कहा गया, और फिर D2 का स्क्वायर कर दिया और उनका सम ले लिया, उनका सम कर दिया गया। अब इसमें हम S का वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें कि D वाला फार्मूला जो एक्चुअल मीन्स है। तो क्या है वो फार्मूला? S का इन स्क्वायर रूट सिग्मा D1 स्क्वायर प्लस सिग्मा D2 स्क्वायर बाय N1 प्लस N2 माइनस 2। क्योंकि S का मतलब ये होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें यहाँ पर माइनस 2 क्यों किया गया डिनोमिनेटर में? क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप है और जो इसमें ऑब्जर्व यूनिट फर्स्ट में और सेकंड में, इसलिए ये रहा यहाँ रखा गया। इसको हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। और रेशियो किसके ऊपर देखा गया? ये देखा गया डेविएशन के स्क्वायर के ऊपर और उसका सम। तो इस तरीके से देखा गया है, जैसे कि हमने फार्मूला कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यूज रखी और एस की वैल्यू मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल ली। अब हम टी निकालेंगे। टी में क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं साइन को, जो डिफरेंस होता है मीन का एक्चुअल मीन से जो वैल्यू का डिफरेंस होता है, एक्चुअल वैल्यू से मीन का जो डिफरेंस होता है बाई एस कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर। जब ये सिंपल फार्मूला था, ये तो मॉडिफाइड फार्मूला है टी का। जब ये इसके पहले का फार्मूला है कि एस के साथ ही रूट में होते हैं 1/N1 प्लस 1/N2 इन स्क्वायर रूट में, नीचे होते हैं डिनोमिनेटर होते हैं। जब सिंप्लीफाई करते तो ये यहाँ पर इस तरीके से एलसीएम लेने के बाद आ जाते हैं। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी और ये X1 की वैल्यू और मीन की वैल्यू रख दी, और इस तरीके से हमने इसको करा और टी की वैल्यू हमारी आ गई, राइट।
अब क्या करेंगे इसके बाद? यहां पर एक बार फिर से ये बताना चाहूंगा कि टी टी यहां पर जो जो दो ग्रुप हमने हेमाप है स्मॉल सैंपल्स के, उनमें मीन इग्नोर करेंगे साइन को और एक मीन से दूसरे मीन को घटाएंगे, लेस करेंगे और साइन को इग्नोर कर देंगे, और बाय स्टैंडर्ड बाय कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे। और जैसा कि भी हमने बताया यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ये ऑब्जर्व यूनिट के लिए कॉलम है के लिए सेगमेंट है उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रखेंगे। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये हमने एस पहले हमने टी निकालने के लिए एस निकाला और एस के बाद टी निकाल लिया इस तरीके से, और अब हम इसमें डिसीजन लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ये फर्स्ट ग्रुप में सेकंड ग्रुप में जो यूनिट को ऑब्जर्व करेंगे प्लस करेंगे और माइनस करेंगे टू क्योंकि कंबाइंड है। तो इस तरीके से नाइन पहला ग्रुप में बच्चे थे, फिर दूसरे ग्रुप में सेवन थे, माइनस टू इक्वल हो गया 14 के। डिसीजन क्या लेना है यहाँ पर, जैसे कि लास्ट पेज पर हमने बताया था कि हमारी टी की वैल्यू 0.571 थी, और जो हमको टेबलेटेड वैल्यू, ये क्रिटिकल वैल्यू थी हमारी, और जो हमको टेबलेटेड वैल्यू दे दी गई थी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, जो भी हमने 14 डिग्री ये हमको टेबलेटेड दी गई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दी होती है, या तो टेबल में दी होगी या हमको क्वेश्चन में बता दी होगी, वो हमें 2.145 दी गई। तो यहाँ पर देख लें ध्यान से कि ये यहाँ पर जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू वो कम है, इस मीन्स ये हुआ कि हमारी ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और सिग्निफिकेंट नहीं है तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाती है। हाइपोथेसिस में हमने क्या कहा था वो भी बताते हैं, ये आगे पढ़ देते हैं, दस द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन मार्क्स सिक्वल बैंड टू ग्रुप्स। और हमने क्या नल हाइपोथेसिस की थी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये हमने सबसे पहली लाइन में बोला था, कोई भी डिफरेंस नहीं है उन दोनों के मार्क्स में जो सिक्योर करें दोनों ग्रुप में, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है और सिग्निफिकेंट नहीं है, और हाइपोथेसिस जो हमने नहीं वाली एक्सेप्ट बोली थी वो एक्सेप्ट की जाती है। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।